हेलो स्टूडेंट्स, लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं मिसेस ग्रेगरी आज आपके सामने क्लास 10 के लिए प्रस्तुत हूँ, पाठ 6, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी की जीवनी को हम एक बार संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार है। तो आइए देखते हैं महादेवी वर्मा की जीवनी। महादेवी वर्मा जी के पिता का नाम था गोविंद वर्मा। इनका जन्म हुआ था सन 1907 में। इनका जन्म स्थान था फरुखाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है। शिक्षा इनकी एमए संस्कृत थी। संपादन इन्होंने किया चांद, एक पत्र जो है उसका। भाषा शैली में भाषा इनकी थी ब्रज भाषा और खड़ी बोली, जो ये यूज़ करती थी, प्रयोग में लाती थी कविताओं में। शैली इनकी थी मुक्तक, चित्र, प्रगति, संबोधन और प्रश्न। प्रमुख रचनाएं जो थी वो उनकी इस प्रकार हैं, हिमालय, मेरा परिवार, यामा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, सप्तवर्णा आदि। सन 1987 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। साहित्य में इनका बहुत बड़ा स्थान था। छायावादी कवियों में अग्रणीय और आधुनिक युग की मीरा के नाम से इनको जाना जाता था। और इन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किए साहित्य में, और इसीलिए इनका नाम साहित्य के इतिहास में अमर है। तो इस प्रकार से आपने देखा, महादेवी वर्मा जी बहुत बड़ी कवित्री थीं और इन्होंने बहुत सुंदर कविताएं लिखी हैं। तो आगे इसी पाठ के माध्यम से हम इनकी कविताओं को जानेंगे। धन्यवाद।